Hello, welcome to my channel Mathsomatic makes maths easy. Today we will study class 8 chapter 4 practical geometry exercise 4.1 concepts and tricks. आज हम लोग पढ़ेंगे chapter 4 practical geometry. Practical geometry chapter को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ shapes के बारे में पढ़ लेते हैं. देखिए, ये है मेरे पास एक compass जहाँ पे एक होता है मेरे पास पॉइंटर टिप और एक होता है पेंसिल टिप. दूसरा जो मेरे पास मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है वो है स्केल. इसे कहते हैं हम लोग स्केल. यहाँ पे नंबरिंग होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और आगे वो बढ़ते जाता है. ठीक है, जो फर्स्ट पॉइंट होता है वो होता है मेरा 0, उसके बाद 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है और इस तरीके से ये आगे बढ़ता है. ओके, और इसे कहते हैं हम लोग प्रोट्रैक्टर. प्रोट्रैक्टर में हम लोग एंगल्स का मेजरमेंट करते हैं. ठीक है, प्रोट्रैक्टर का ये वाला जो रेड पॉइंट है इसे हम लोग कहते हैं सेंटर पॉइंट. और इस सेंटर पॉइंट से हम लोगों का जो लाइन होता है राइट साइड में वो हो गया है देखिए 0 डिग्री का. फिर धीरे धीरे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो ये मेरा 10 डिग्रीज, 20 डिग्रीज, 30 डिग्रीज, 40 डिग्रीज, 50 डिग्रीज, 60 डिग्रीज, 70 डिग्रीज, 80 डिग्रीज, 90 डिग्रीज ऐसा होता रहेगा. ओके, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री चैप्टर में हम लोगों को दिया रहेगा कुछ मेजरमेंट्स और ये मेजरमेंट्स का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक शेप बनाएंगे या उसको ड्रॉ करेंगे. ठीक है, तो मेजरमेंट मेरे पास क्या हो सकता है, मेरे पास दिया हुआ मेजरमेंट 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर यानी कि लेंथ हो सकता है और दिया हुआ मेजरमेंट हमको एंगल भी हो सकता है. तो हमको यहाँ पे कुछ लेंथ और कुछ एंगल्स देगा और हमको कहेगा एक फिगर बनाने के लिए. तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दिया हुआ जो लेंथ रहेगा या फिर दिया हुआ जो एंगल रहेगा उसको हम लोग कॉम्पस, स्केल और प्रोट्रैक्टर के यूज करके एक फिगर या फिर शेप बनाएंगे. ओके, आइए देखिए, यहाँ पे कहता है हमको कंस्ट्रक्टिंग ए क्वाड्रिलैटरल. यहाँ पे हम लोग एक क्वाड्रिलैटरल को कंस्ट्रक्ट करेंगे. तो क्वाड्रिलैटरल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम लोग कितने टाइप का इस्तेमाल करेंगे, देखिए यहाँ पे हम लोगों को कहता है वी शैल लर्न हाउ टू कंस्ट्रक्ट ए यूनिक क्वाड्रिलैटरल गिवन द फॉलोइंग मेजरमेंट्स. यहाँ पे हमको कुछ मेजरमेंट्स दिया हुआ रहेगा और इस मेजरमेंट्स के हिसाब से हम लोगों को एक क्वाड्रिलैटरल को कंस्ट्रक्ट करना है. हम लोग इस चैप्टर में क्वाड्रिलैटरल के कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ेंगे विथ दीज 5 डिफरेंट टाइप्स. ओके, तो पहला टाइप क्या है, पहला टाइप कहता है व्हेन 4 साइड्स एंड 1 डायगोनल आर गिवन. यानी कि अगर हमारे पास एक क्वाड्रिलैटरल का 4 साइड्स और 1 डायगोनल दिया हुआ रहेगा तो हम लोग एक क्वाड्रिलैटरल को कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, यही है मेरा पहला टॉपिक. व्हेन द लेंथ ऑफ 4 साइड्स एंड 1 डायगोनल आर गिवन, यानी कि अगर एक क्वाड्रिलैटरल का हमको 4 साइड्स दिया रहेगा और 1 डायगोनल दिया रहेगा उस केस में हम लोग कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे एक क्वाड्रिलैटरल को, आइए देखते हैं. ये है मेरा चैप्टर प्रैक्टिकल ज्योमेट्री और यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्टिंग ए क्वाड्रिलैटरल. जहाँ पे मेरा पहला टॉपिक है व्हेन द लेंथ ऑफ 4 साइड्स एंड 1 डायगोनल आर गिवन. तो देखिए यहाँ पे हमको दिया हुआ है एक एग्जांपल. इस एग्जांपल में कहता है फर्स्ट साइड का लेंथ है 4 सेंटीमीटर, सेकेंड साइड का लेंथ है 6 सेंटीमीटर, थर्ड साइड का लेंथ है 5 सेंटीमीटर, फोर्थ साइड का लेंथ है 5.5 सेंटीमीटर और डायगोनल का लेंथ दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर. ओके, ये है एग्जांपल 1. ध्यान से देखिए यहाँ पर सिर्फ लेंथ दिया हुआ है PQ, QR, RS, PS, PR. यहाँ पे कहीं पे भी आपको डायगोनल लिखा नहीं हुआ है क्वेश्चन में. ठीक है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि इन सब में से डायगोनल कौन सा है, तो वो पता करने के लिए सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया है उसको हम लोग ड्रॉ करेंगे. आइए देखते हैं कैसे. ये सारा मेजरमेंट हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है एज PQRS इज ए क्वाड्रिलैटरल.
पी क्यू आर एस हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है एक क्वाड्रिलैटरल, देयरफॉर पी आर इज द डायगोनल। देखिए हम लोग एक रफ स्केच बना लेंगे कैसे। देखिए अगर ये वाला मेरे पास कोई क्वाड्रिलैटरल है, समझिए जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, और हमको क्या बोलता है पी क्यू आर एस है मेरा एक क्वाड्रिलैटरल, तो ये वाला पॉइंट पकड़ लीजिए P, ये वाला पॉइंट पकड़ लीजिए Q, ये वाला पॉइंट पकड़ लीजिए R और ये वाला पॉइंट पकड़ लीजिए S। तो ये क्या हो गया, ये मेरा पी क्यू आर एस एक क्वाड्रिलैटरल हो गया। अब क्वेश्चन में पी क्यू दिया हुआ है यानी कि ये वाला है, फिर क्यू आर दिया हुआ है यानी कि ये वाला है, फिर आर एस दिया हुआ है यानी कि ये वाला है, फिर पी एस यानी कि ये वाला है, और लास्ट में है पी आर। देखिए पी आर कहाँ पे आ रहा है, ये हो गया है मेरा पी आर। तो ध्यान से देखिए ये पी आर क्या हो रहा है, पी आर हो रहा है मेरा एक डायगोनल, इसलिए हम लोग यहाँ पे पी आर को पकड़ लिए डायगोनल। ओके अब देखिए स्टेप वन, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग पी क्यू इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर आर्क ऑन वन साइड ऑफ द डायगोनल पी आर एंड पी एस इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड ऑफ द डायगोनल पी आर। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये वाला जो डायगोनल है इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे यानी कि ड्रॉ करेंगे। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, हम लोग देख सकते हैं कि डायगोनल का लेंथ दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, हम लोग इस स्केल का इस्तेमाल करेंगे और स्केल में हम लोग 7 सेंटीमीटर लेंथ का एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये है मेरा स्टार्टिंग में 0 और यहाँ पे है मेरा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 0 से लेकर 7 तक एक ऐसा लंबा लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे देखिए ये वाला है मेरा 0 और ये वाला है यहाँ तक मेरा 7, इसलिए ये मेरा बन जाता है 7 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट। ओके अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये वाले रफ फिगर में, तो यहाँ पे अगर पी आर मेरा एक डायगोनल है तो पी क्यू कहाँ हो रहा है, पी क्यू मेरा स्टार्ट हो रहा है ये पॉइंट पी से। ओके तो पी क्यू कितना दिया हुआ है, पी क्यू दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो हम लोग अब पी क्यू 4 सेंटीमीटर कैसे ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पी क्यू का मेजरमेंट ले लेंगे 4 सेंटीमीटर। अगर ये स्केल है तो स्केल का 0 हो गया इस पॉइंट में और 4 हो गया है मेरा इस पॉइंट में। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब इस कॉम्पस का इस्तेमाल करेंगे, कॉम्पस का जो पॉइंटर टिप है तो ये वाला पॉइंटर टिप को हम लोग रखेंगे 0 पॉइंट में और ये वाला जो पेंसिल टिप है इसको रखेंगे हम लोग ये 4 वाले पॉइंट में। तो हमको 4 सेंटीमीटर का लेंथ मिल जाएगा कॉम्पस में। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉम्पस को यहाँ से हटाएंगे और इस वाले पॉइंट में प्लेस करेंगे, कॉम्पस का जो पॉइंटर टिप होगा उसको यहाँ पे रखेंगे और पेंसिल टिप जो मेरा 4 सेंटीमीटर का था उससे हम लोग यहाँ पे एक आर्क को ड्रॉ कर लेंगे। ओके सिमिलरली हम लोग पी एस 5.5 सेंटीमीटर को भी ड्रॉ करेंगे, जैसे हम लोग इस पॉइंट में रखेंगे अपने कॉम्पस का जो पॉइंटर टिप है और पेंसिल टिप से हम लोग 5.5 सेंटीमीटर का एक आर्क यहाँ पे कट करेंगे। इस तरीके से हम लोग पी क्यू और पी एस को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट है पॉइंट टू। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखिए नाउ टेकिंग आर क्यू इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड आर एस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये जो डायगोनल था, देखिए यहाँ पे क्या था, पी था और आर था, यानी कि एक पॉइंट में पी है और एक पॉइंट में आर है। तो जिस पॉइंट में पी था वहां से हम लोग क्या किए, वहां से हम लोग पी क्यू और पी एस को ड्रॉ कर लिए। देखिए दोनों में पी है, यहाँ भी पी है और यहाँ भी पी है, इसलिए हम लोग पी क्यू और पी एस को ड्रॉ कर लिए। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है, आर क्यू और आर एस, तो हम लोग यहाँ से ड्रॉ करेंगे, एक तरफ में मेरा हो जाएगा आर क्यू और दूसरी तरफ मेरा हो जाएगा आर एस। तो देखिए आर क्यू कितना बोलता है, 6 सेंटीमीटर। सिमिलरली वही स्टेप को फॉलो करेंगे और कॉम्पस का जो पॉइंटर टिप है यानी कि ये वाला टिप को हम लोग रखेंगे 0 में और जो पेंसिल टिप है इस वाले टिप को हम लोग रखेंगे 6 में, ठीक है। ये वाले कॉम्पस का जो पॉइंटर टिप है उसको रखेंगे हम लोग 0 में और पेंसिल टिप को रखेंगे हम लोग 6 में, तो हमको 6 सेंटीमीटर का लेंथ मिल जाएगा। उसको फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर कॉम्पस का ये जो पॉइंटर टिप है उसको हम लोग रखेंगे पॉइंट आर में और पेंसिल टिप से
यानी कि 6 सेंटीमीटर लेंथ वाला जो मेरे पास कॉम्पास का लेंथ हो गया था उससे एक आर्क ड्रॉ करेंगे हम लोग कुछ इस तरीके से, ठीक है, जो कि मेरा पहले वाला जो आर्क था ये वाला उसको कट करेगा, ठीक है, इस तरीके से कट किया है। तो ये दो आर्क जहां पे कट किया है उसको हम लोग एक ऐसा पॉइंट बना लेंगे, ठीक है, और क्या करेंगे, और इन दोनों पॉइंट्स को स्केल का यूज करके ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। सिमिलरली यहां पर हम लोग आर एस 5 सेंटीमीटर ले लेंगे कॉम्पास में, और कॉम्पास का पॉइंटर टिप को रखेंगे यहाँ पे, और कॉम्पास का पेंसिल टिप से हम लोग एक 5 सेंटीमीटर का रेडियस यहाँ पे ऐसा कट करेंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे ये वाला आर्क और ये वाला आर्क का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है यानी कि ये वाला, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, यहां से हम लोग इस वाले पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। तो ये मेरा बन गया है 5 सेंटीमीटर का। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि मेरे पास ये पी क्यू आर एस वाला एक क्वाड्रिलैटरल फॉर्म हो गया है। ओके, हेंस ए क्वाड्रिलैटरल पी क्यू आर एस इज कंस्ट्रक्टेड। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले निकालेंगे डायगोनल, और फिर ये वाला जो पॉइंट रहेगा डायगोनल का, और फिर ये वाला जो पॉइंट रहेगा डायगोनल का, उसका यूज करके हम लोग दो आर्क कट करेंगे, और जहां पे दोनों आर्क इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वहां से हम लोग ये सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे स्केल का यूज करके। तो मेरे पास एक क्वाड्रिलैटरल मिल जाएगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या बोलता है। अब हम लोग पढ़ेंगे थिंक डिस्कस राइट। यहाँ पे पॉइंट वन में कहता है वी सॉ दैट 5 मेजरमेंट्स ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल कैन डिटरमाइन ए क्वाड्रिलैटरल यूनिकली, यानी कि 4 साइड्स और एक डायगोनल। ओके, दोनों मिला के होता है 5, इसलिए कहता है 5 मेजरमेंट्स ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल। डू यू थिंक एनी 5 मेजरमेंट्स ऑफ द क्वाड्रिलैटरल कैन डू दिस? अगर मेरे पास कोई भी 5 मेजरमेंट्स हो तो क्या हम लोग उससे क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ कर सकते हैं? आइए देखिए, थिंक डिस्कस राइट। फर्स्ट जो पॉइंट था मेरे पास ये कहता है यस एनी 5 मेजरमेंट्स कैन बी यूज्ड टू मेक ए क्वाड्रिलेटरल, बट ऑफ दीज 5 मेजरमेंट्स 4 मेजरमेंट्स शुड बी ऑफ 4 साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, यहाँ पे कहता है कि दिए हुए 5 मेजरमेंट्स में से हम लोग क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये जो 5 मेजरमेंट्स है ये 5 मेजरमेंट्स में से हमको 4 मेजरमेंट्स 4 साइड्स का होना चाहिए। ठीक है, नंबर 2 क्या बोलता है देखिए। नंबर 2 बोलता है कैन यू ड्रॉ ए पैरेललोग्राम बी ए टी एस वेयर बी ए इज इक्वल टू 5, ए टी इज इक्वल टू 6 एंड ए एस इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर वाई, कैसे होगा देखिए। ये है नंबर 2, क्या हम लोग यहाँ पे एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर सकते हैं जिसका नाम होगा बी ए टी एंड एस। देखिए कैसे हुआ ये, सिंस ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। हमको पता है कि एक पैरेललोग्राम का जो ऑपोजिट साइड्स होता है वो हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। सो वी हैव मेजरमेंट्स ऑफ 4 साइड्स ऑफ द डायगोनल्स ए एस, यानी कि अगर ये वाला मेरा एक डायगोनल है ए एस, तो ए एस का मेजरमेंट हमको दिया हुआ है 6.5 सेंटीमीटर क्वेश्चन में। ठीक है, हमको कहता है कि एक साइड का मेजरमेंट है मेरे पास 5 सेंटीमीटर और दूसरे साइड का मेजरमेंट है मेरे पास 6 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे हमको ए एस दिया हुआ है 6.5 सेंटीमीटर, यानी कि ए एस मेरा हो गया है डायगोनल और बी ए और ए टी मेरा हो गया है साइड्स। हम लोग अगर इसका एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर लें, जैसे देखिए अगर समझिए कि ये वाला मेरे पास एक रफ कोई पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग नाम देते हैं इसका क्या, बी ए टी एस जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हो गया है मेरा ये बी, फिर ये हो गया है मेरा ए, फिर ये हो गया है मेरा टी, और फिर ये हो गया है मेरा एस। ये मेरा बन गया बी ए टी एस वाला एक पैरेललोग्राम। अब यहाँ पे क्या बोलता है, ए एस है 6.5, तो ए एस क्या है, ए एस ये है मेरा, ए एस ये मेरा हो गया है एक डायगोनल। अगर ये मेरा डायगोनल है 6.5 सेंटीमीटर, तो बी ए कहाँ पे है, बी ए है मेरा ये 5 सेंटीमीटर एंड ए टी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाला हो गया है 6 सेंटीमीटर। तो अगर ये वाला 5 सेंटीमीटर है तो इसका ऑपोजिट वाला यानी कि ये वाला भी 5 सेंटीमीटर का होगा, क्योंकि हमको पता है कि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड इक्वल होता है।
सिमिलरली 80 अगर मेरे पास दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो इसका ऑपोजिट साइड क्या है, ये वाला, ये भी मेरा हो जाएगा 6 सेंटीमीटर का, यानी कि ऑपोजिट साइड मेरा इक्वल होता है पैरेललोग्राम में। इसी का यूज करके हम लोगों ने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया है एक पैरेललोग्राम। ये देखिए, ये है मेरा BATS एक पैरेललोग्राम, जहाँ पे ये वाला क्वेश्चन में दिया हुआ है 6.5 सेंटीमीटर और एक साइड दिया हुआ है 5 और एक साइड दिया हुआ है 6। तो ऑपोजिट साइड क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर और इसका हो गया 5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम लोगों को मिल गया हमारा एक पैरेललोग्राम। तो हम लोग कह सकते हैं कि देयरफॉर सो BATS इज ए क्वाड्रिलेटरल एंड दस ए पैरेललोग्राम। ओके, अब देखिए पॉइंट 3 क्या बोलता है। पॉइंट 3 कहता है, कैन यू ड्रॉ ए रोम्बस ZEL वेयर ZE इज 3.5 सेंटीमीटर एंड डायगोनल EL इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। क्या हम लोग ऐसा बना सकते हैं कोई डायगोनल? आइए देखिए, ये है नंबर 3, ऑल साइड्स ऑफ ए रोम्बस आर इक्वल। रोम्बस का जितना भी साइड होता है वो इक्वल होता है। तो रोम्बस मेरा होता है कुछ इस शेप का, ये हो गया है मेरा ऐसे, और फिर यहां से ये बन जाएगा मेरा ऐसे, ठीक है। तो रोम्बस का जितना साइड होता है वो सब सेम होता है। तो रोम्बस का जितना साइड होता है वो सब क्या होता है, सेम होता है। इसलिए अगर यहाँ पे दिया हुआ है कि एक साइड है मेरे पास 3.5 सेंटीमीटर का, तो जितना भी साइड होगा वो सभी मेरा 3.5 सेंटीमीटर का होगा। ओके, मेजरमेंट ऑफ ऑल साइड्स आर 3.5 सेंटीमीटर ईच। क्यों? क्योंकि हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था अ साइड ZE इज 3.5 सेंटीमीटर, ऑल्सो डायगनल EL इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। यानी कि अगर यहाँ पे हम लोग कोई डायगनल को ड्रॉ कर लें, तो वो डायगनल मेरा यहाँ पे दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर का। तो समझिए कि ये वाला डायगनल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये हो गया है मेरा 5 सेंटीमीटर का एक डायगनल। ओके, सो वी हैव गॉट 4 साइड्स ऑफ ए डायगनल। यानी कि अगर ये डायगनल है और मेरे पास ये साइड, ये साइड, ये साइड और ये साइड है 3.5 सेंटीमीटर का, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ZEL कैन बी कंस्ट्रक्टेड, दस ZEL रोम्बस कैन बी ड्रॉन। अगर मेरे पास ये डायगनल मिल गया है और चारों साइड मिल गया है, तो हम लोग का तो फिर ये वाला एक क्वाड्रिलेटरल बन गया है ZEL, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, 4 साइड्स एक डायगनल, तो बन जाएगा मेरा क्वाड्रिलेटरल। ये क्वाड्रिलेटरल बन गया है, तो इस क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स इक्वल है, इसलिए ये मेरा हो गया है एक रोम्बस, दस ZEL रोम्बस कैन बी ड्रॉन विद द गिवन मेजरमेंट्स। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है मेरा पॉइंट 4, यहाँ कहता है ए स्टूडेंट अटेम्प्टेड टू ड्रॉ ए क्वाड्रिलेटरल PLAY वेयर PL इज इक्वल टू 3, LA इज इक्वल टू 4, AY इज इक्वल टू 4.5, PY इज इक्वल टू 2 एंड LY इज इक्वल टू 6, बट कुड नॉट ड्रॉ इट, व्हाट इज द रीजन। ये वाला कुछ मेजरमेंट्स लेके एक स्टूडेंट एक क्वाड्रिलेटरल PLAY ड्रॉ करना चाह रहा था, लेकिन वो ड्रॉ नहीं कर पाया। ऐसा क्यों? देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, PLAY, तो रफ एक फिगर बनाइए PLAY का। यहाँ पे सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करने से पहले आपको एक रफ फिगर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे समझिए कि ये वाला आपका हो गया है एक क्वाड्रिलेटरल PLAY, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P, L, A और ये वाला हो जाएगा Y, ठीक है। चारों जो वर्टिसेस है आप लोग उसका नाम लिख लिए PLAY। अब उसके बाद वेयर PL इज इक्वल टू 3, यानी कि ये हमको दिया हुआ है LA, LA मतलब ये भी दिया हुआ है। उसके बाद AY कहाँ, ये भी दिया हुआ है। फिर PY मतलब ये भी दिया हुआ है एंड LY 6 सेंटीमीटर। LY यानी कि ये वाला हमको दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो चारों साइड दिया हुआ है, एक डायगनल दिया हुआ है, फिर भी वो नहीं बना पा रहा है क्वाड्रिलेटरल। ऐसा क्यों, आइए देखते हैं। ये है नंबर 4। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है LY इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर इज द डायगनल, जैसा हम लोग यहाँ पे देखे थे। LY मेरा एक डायगनल हो गया है इस क्वाड्रिलेटरल का। डिस्टेंस बिटवीन PY इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाला जो PY है यहां से लेके यहां तक, इसके बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 2 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ PY दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर का। डिस्टेंस बिटवीन PL इज 3 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाला जो डिस्टेंस है PL का, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। ओके, और ये दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने से क्या आता है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि ये वाले 3 के साथ ये वाले 2 को अगर हम लोग ऐड कर देंगे
तो कितना होता है 5 सेंटीमीटर, लेकिन मेरे पास जो दिया हुआ डायगोनल है वो कितना है 6 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो ये मेरा छोटा हो गया है डायगोनल से, जो कि ऐसा कभी हो नहीं सकता। अगर ऐसा होता है कभी, इसका मतलब ये मेरा क्वाड्रिलैटरल फॉर्म नहीं करेगा। यानी कि ये एक नया चीज हम लोग सीखे कि अगर कोई डायगोनल यहाँ पे दिया हुआ है तो डायगोनल के ऊपर या फिर नीचे जो दो साइड होता है वो साइड को अगर हम लोग ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद मेरा अगर डायगोनल से कम आता है यानी कि छोटा हो जाता है, तो वो वाला मेरा क्वाड्रिलैटरल फॉर्म नहीं करेगा। ओके, क्वाड्रिलैटरल PLAY कैनॉट बी फॉर्म, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्वाड्रिलैटरल PLAY को ड्रॉ नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे देखिए, ये मेरा एक क्वाड्रिलैटरल था जो हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट किया था। डायगोनल क्या है देखिए 7 सेंटीमीटर, लेकिन ऊपर में ये देखिए 4 है, यहाँ पे 6 है, तो दोनों को ऐड करने से क्या आता है, दोनों को ऐड करने से आ जाता है 10। तो देखिए 10 क्या हो गया, मेरा बड़ा हो गया डायगोनल से, इसलिए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो सकता है। सिमिलरली अगर नीचे में देखिएगा तो यहाँ पर 5.5 है और यहाँ पे 5 है, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, मेरे पास आ जाएगा 10.5। अगर ये 10.5 है तो क्या ये मेरा डायगोनल जो 7 था उससे बड़ा है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। लेकिन इस केस में यहाँ पे LY जो डायगोनल था वो कितना था 6 सेंटीमीटर का, लेकिन साइड मेरा कम हो गया था यानी कि 6 से छोटा हो गया था, इसलिए इस केस में हम लोग क्वाड्रिलैटरल को फॉर्म नहीं कर सकते। ओके, थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट न्यू वीडियो अपडेट्स।